नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। सिद्धार्थनगर जिले के किसान इन दिनों मानसून के रूठने की वजह से हो रही कम बारिश से पहले से परेशान हैं। इस बीच उन्हें खाद की दिक्कत भी शुरू हो गई है। किसानों को उनके ज़रूरत की खाद न मिलने के पीछे की असली वजह नेपाल में हो रही खाद की तस्करी है। धान और गेहूँ की बुवाई के समय सिद्धार्थनगर जिले से सटे नेपाल क्षेत्र में खाद की तस्करी बढ़ जाती है। भारत नेपाल सीमा के अलीगढ़वा बीओपी की वजह गौरी रामनगर सहित कई गांव तस्करों का हब बने हुए हैं। छोटे छोटे खेपों में मोटरसाइकिल और साइकिल के सहारे खुली सीमा का फायदा उठाकर ये तस्कर पगडंडियों से नेपाल में खाद को आसानी से पहुंचा देते हैं और वहां ठप कर उसे ऊंचे दामों में जरूरतमंदों को बेचते हैं। हालांकि भारत नेपाल की सीमा पर स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियों के अलावा एसएसबी के जवान तैनात हैं। बावजूद इसके तस्करी पर अंकुश लगाना संभव नहीं हो पा रहा है। सीमा पर हो रही तस्करी को लेकर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने कहा कि खुली सीमा होने की वजह से तस्कर इसका फायदा उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इन पर अंकुश लगाने का भरपूर प्रयास करती हैं। इसमें जैसे सूचना प्राप्त होती है समय समय पर इसमें कार्रवाई की जाती है। जो इसमें लोग शामिल है उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हैं। क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर ओपन बॉर्डर है तो इसके अपने चैलेंजेस हैं जिसपे अंकुश लगाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं। इसमें कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो उसके अनुसार हम लोग विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।